नमस्कार सस्काल अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फालतू फोकट गेमर में और आप देख रहे हैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड क्राउन टंड्रा। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने टापू फिनी को पकड़ा था और क्योगर को पकड़ा था शायद, है ना? ओके, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे ऐसा पकड़ने का। तो अभी मैंने थोड़ा सा काउंट किया, मेरे ख्याल से मुझे 3 ही लेजेंडरीज जो है वो बाकी है, जैसे कि आई थिंक ये बाकी है, एंटाई बाकी है जो कि मेरे ख्याल से दोनों वर्जन में है, और कौन बाकी है, एक यूटल या यूवेटल जो भी है वो बाकी है और आर्टिकुनो बाकी है। तो वही देखते हैं, आर्टिकुनो का मैं बताऊंगा नहीं, अगर देखते हैं यार क्या होता है। तो अरे इसमें अंदर पहुँच के मिलता हूँ मैं आप लोगों से। तो हमें फ्रॉस्ट लास्ट मिला है, लुरेंटिस मिला, लुरेंटिस पहली बार मिला भाई ऐसा। ओके, तो फ्रॉस्ट लास्ट के पास रजिस्टर शेडो, ओके अच्छी बात है, अच्छा लगता मुझे ऐसा अच्छा मिलता है। तो तेरे फाइटिंग टाइप दे दिया है भाई अपने को डायरेक्ट, पहले से फाइटिंग टाइप के तरफ नहीं जाएंगे, अपने को डर लगता है, वाटरवा की तरफ जा सकते हैं हम लोग। ओके, वाटर के बाद क्या दिया हुआ है, साइकिक दिया हुआ है, रॉक दिया हुआ है, नॉइस टू मच नॉइस इन माय लाइफ। वेयर इज योर वाइफ, आई वॉन्ट टू गिव हर किसी। ऐसा जी कैसी कैसी बात करते हो, बच्चे देखते हैं ऐसा नहीं करने चाहिए, बच्चे लोग के लिए नहीं बनाया तो भाई मैंने अपना YouTube चैनल, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, तो मेरे ख्याल से अपन शेडो बॉल मार सकते हैं मस्त वाला, उससे मैं अच्छा मैक्स फैंटेजम मारते हैं। यार बहुत ज़्यादा सर भारी होता है पता है मेरा, और मुझे लगता है कि मुझे 4-5 दिन का ना ब्रेक ले लेना चाहिए यूट्यूब से। फ्रॉस्ट लास्ट का भी डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये भूतिया। ओके मोनिया, ओहो ऐसा डैमेज करने का मस्त वाला। ओके नाइस, तो उसका डिफेंस भी चला गया है लेकिन स्पेशल अटैक्स से अपने को कुछ फ़ायदा नहीं, उससे अटैक भी चला गया है थोड़ा सा। मैक्स गीजर प्लीज डोंट किल मी, आह 1 मिनट, वो शाइनी है क्या? हाँ 1 सेकेंड, नहीं तो बनेली है। ओके बनेली ही है ना, क्या नाम है उसका, बनी वाली, मुझे लगा कि वो है करके। कोई बात नहीं, कोई नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, अपन है भाई, FFG संभाल लेगा सब कुछ। जेलिसेंट भी तो घोस्ट टाइप है ना, आई थिंक वो मुझे मार दी ना एक अटैक तो मेरी ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ लॉब बनी नाम है, बनेरी, हाँ बनेरी का जो इवॉल्व फॉर्म है वो लॉब बनी होती। ओहो नाइस लुरेंटिस, थैंक यू सो मच ब्रो, आई लव लू लू। ओके पकड़वा तो कर लेते अपन, बट ये वाटर टाइप है तो मुझे रॉक टाइप के लिए लेके जाना पड़ेगा लग रहा है इसको। दी शूजन्स आइकन रखो। डेजलिंग ग्लीम भी है यार, अगर लेजेंडरी उसके टाइप का हुआ ड्रैगन टाइप तो काम आएगा अपने को, काफ़ी अच्छे मूव्स है इसको, आई वॉन्ट टू स्वाप इट। बट लास्ट में क्या दिखा रहा था, एक मेरा टास्क का मैं हमेशा देखना भूल जाता हूँ। ओह नाइस डार्क है, फेरी के लिए जाना चाहिए अपने को, लेकिन फेरी के लिए फिर अपने को चलो रॉक तो ले लेते अपन।
रॉक की तरफ जाए यार, फेरी मुझे चाहिए यार। फेरी अगर रहेगा हमारे पास तो अपन डार्क टाइप की ऐसी तैसी कर सकते हैं, और अगर डार्क ड्रैगन हुआ तो फिर और अच्छी बात। ओ भाई क्रेडिली, हाँ ओके, क्राउन टुंड्रा का है ये लड़का, अच्छी बात है। आईसी विंड मारेगा, मैं कैसा लगता है आईसी विंड यूजर अटैक्स, ओके नाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच। ओ भाई नाइस जी जी, इतना असर नहीं हुआ क्योंकि 55 का डैमेज है, सुपर इफेक्टिव होने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 110 होगा वो। एनर्जी बॉल, कोई बात नहीं, अपने बच्चे लोग झेल लेंगे, अपने बच्चे लोग अच्छे हैं, अच्छी परवरिश की है हमने हमारे बच्चों की। जेलिसेंट घोस्ट टाइप है ना, घोस्ट वाटर राइट, बहुत कम घोस्ट वाटर टाइप पोकेमोन है मेरे ख्याल से, और कोई मुझे याद नहीं है। ओहो ग्रेट एंटू, देख रहे हो लड़कियों का अटैक बढ़ा रहा है ना, मारेगा कुछ इफेक्टिव मूव लग रहा है। कोई नहीं, ऐसी बीट मारते रहते हैं हम लोग, ऐसी तैसी करते रहते हैं, मेरे ख्याल से इस टर्न में हम लोग ख़त्म कर देंगे इसको। एक मिनट, में इससे पहले कि ये मर जाए मुझे इसका टाइप देखना पड़ेगा, क्योंकि फेरी के अगेंस्ट अपने को पॉइजन या स्टील टाइप चाहिए ना, और ये दोनों तो नहीं लग रहा है मुझे, वो ख़त्म भी हो गया बेचारा। यार फेरी के अगेंस्ट मेरा घोस्ट टाइप बिल्कुल काम नहीं करेगा राइट। हाँ छोड़ो, जो भी होगा देखा जाएगा, बट फेरी मुझे कैसे भी करके कैच करना है। अरे नहीं, ये तो रॉक टाइप है ना, रॉक के लिए गए थे हम लोग। ओके तो ये ग्रास रॉक है क्या है ये, क्रेडिली देखते हैं इसके पास मूव अच्छे रहेंगे तो। ओके रॉक ग्रास है, एंशिएंट पावर है, ओके इसके पास एसिडिक अटैक भी है। यार मुझे टेंशन ये हो रहा है, मेरे पास एक फेरी टाइप मूव ऑलरेडी है, आई एम गुड विदाउट इट। ओके अच्छी बात है, पियोनिया ने रख लिया, अच्छी बच्ची है वो, ये साइंटिस्ट बेवकूफ बनाएगी फिर से, अच्छा लगता है बच्चे लोग मेरे बेवकूफ बन जाते हैं तो। ग्रीडेंट को रहना चाहिए शायद, वो इसका एच पी अच्छा है, डैम इट ये, अच्छा स्टील टाइप मिल गया, नाइस 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 नाइस, वेरी वेरी नाइस। अब जाएगा मैं फेरी टाइप के पास। ओके फाइटिंग डार्क के अगेंस्ट, वो टू टाइम्स अफेक्टिव होता है यार डार्क के अगेंस्ट। डिसीजंस, कमॉन, छोड़ो यार फेरी की तरफ से चलते हैं अपन। मैं भूल ही गया था कि फाइटिंग टाइप अपना क्या बोलते हैं अफेक्टिव होता है उसके अगेंस्ट राइट। ओ क्लेफ्की दिया यार, ये तो डेमिटवा हो जाएगा। आई आई आई, दिस इज गोइंग टू बी ट्रिकी, डैमेट। ओके तो मेरे पास एक ही मूव है जिससे मैं थोड़ा सा बच सकता हूँ, कोई नहीं डायनामिक्स करते हैं, मैक्स गीजर मारते हैं, जितना हो सके डैमेज अपन करने की कोशिश करेंगे। वही है ना प्रॉब्लम, यही है कि साला क्या बोलते हैं ये स्टील टाइप निकला और मुझे, मेरे पास वो भी जो डेजलिंग ग्लीम है वो भी काम नहीं करेगा। स्टील स्पाइक मार दिया उसने, अरे यार एक भी हीलर नहीं यार मेरे पार्टी में, मे भी शायद ये जो है क्लैडरी या जो भी है कदम्बा, वो शायद हील वील करे अच्छे से, अजीब सी तो दिख रही है वो। ओके मैक्स, अच्छी बात है रेन चालू हो गया,
एटलीस्ट हमारा जो मैक्स गीजर है थोड़ा सा पावरफुल हो जाएगा। गैस्ट्रो एसिड, ओह नाइस, 5-6 टर्न लगेगा मुझे इसको ख़त्म करने के लिए, लेकिन देखते हैं मैक्स गीजर कितना डैमेज करता है। वो लाइट स्क्रीन मार दिया उसने लड़के ने। ओके नाइस, 4 टर्न लगेगा अपने को ख़त्म करने के लिए, मतलब 2 टर्न ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 बार और। कम ऑन यू गाइस, यू कैन डू इट। फिर स्टैट चेंज, ठीक है नाइस, वेरी नाइस। साइकिक फैंग्स, ओ ये तोड़ दिया उसका लाइट स्क्रीन भाई, अच्छा लड़का है अपना ग्रीडू। ओके ग्रीडन जाने वाला है, लेकिन उससे पहले मुझे डेजलिंग ग्रीम से कोई, मेरे पास वो वाला स्टेटस वाला नहीं है क्या, स्पीड वाला बस है आईसी विंड। डाइव पे अपन कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ओ स्टील पाइक, मेरे को मत मारना प्लीज। ओ चलो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि क्लैन को मारना, थैंक क्लैन। फ्लैश कैनन, फाइनल फ्लैश। यार कब से मैं वेट कर रहा हूँ उसकी डीएलसी की, क्रैकरॉड की, और पता नहीं वो लोग कब रिलीज़ करेंगे यार। सड़ा सा वो कार्ड गेम रिलीज़ कर दिया इन्होंने और बोला कि भाई तुम लोग यही खेल लो, हमारे पास और कुछ नहीं है। तो क्लिफ की लेनी पड़ेगा हमको, हिचू खिचू करेंगे हम लोग। वही यार, कैकरॉड की टीएलसी अगर आ जाती है तो मेरे पास कंटेंट रहता बनाने के लिए और अच्छा। ज़ेल्डा तो चल ही रहा है अपना, ज़ेल्डा का जो डीएलसी है वो मेरे ख्याल से इतना लंबा नहीं होगा, बट वही है ना कि 2 डीएलसी है ज़ेल्डा के, और ऊपर से जो ट्रायल्स है काफ़ी टफ है। ओह स्टील फेरी नाइस, आई वांट टू स्वैप माय पोकेमॉन। क्राफ्टी शील्ड है, प्ले रफ है इसके पास। कैन वी डू इट बॉयस, ओके लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओह माय गॉड, ज्वेल्टल ही बोलते हैं उसको, ज्वेल्टल बोलते हैं, वाई साइलेंट है। हाँ ज्वेल्टल, ग्रीडन की ऐसी तैसी हो रखी है, बस प्ले रफ है जो हमारे पास काम आएगा। क्राफ्टी शील्ड का क्या है, जस्ट ओके स्टेटस के लिए है वो। ओह नाइस, तो भाई अभी प्ले रफ मारते हैं, फिर हमारे पास जब वो आ जाएगा क्या बोलते हैं डायनामिक्स, तो फिर अपन करेंगे। वो मेरे को क्या किया उसने, कुछ किया मेरे साथ उसने, ऐसा नहीं करने का मेरे सब। ओहो सब मारे जा रहे हैं भाई इसको। ओ नाइस, वेरी नाइस। अच्छा तो ये फ्लाइंग टाइप है क्या, फ्लाइंग डार्क है ये, डार्क फ्लाइंग। मैं भी अगर उड़ूंगा रियल लाइफ में तो मैं भी डार्क फ्लाइंग होऊंगा, क्योंकि मेरा कम्प्लेक्शन डार्क। अच्छा लगता है मुझे ऐसा फालतू का बात करने के लिए। अरे विस्तु मैक्स स्टारफॉल मारते हैं मस्त वाला, और अगर टेरेन चेंज हो जाएगा तो हमें और फ़ायदा होगा। थोड़ा थोड़ा सीख रहे नहीं, ज़्यादा ज़्यादा नहीं सीखता। Come on, boy. तो निन्नी आ रही है यार, बहुत थकेश्वरी हो जाता हूँ आजकल मैं। खबर छन
यार दिख बहुत एकदम खतरनाक रहा है, लेकिन हमारे पास जो पोकेमॉन्स हैं वो लोग तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको धो रहे हैं। मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट कोई बात नहीं, ऐसे मैं अपने आप को जिंक्स नहीं करना चाहता। अभी देखते हैं, मैं मार खाना चालू कर दूंगा। सबसे अच्छी बात ये है ग्रीडेंट जो है भाई, ग्रीडेंट सिंह वो अभी तक अपने आप को संभाल रहा है ना। वो मुझे समझ भी नहीं आया ऐसा क्या जादू किया उसने। ओ तेरी, अब ये दिमाग खाएगा। मैक्स दर्कनो समर दिया मेरे को, इट्स डोंट किल मी। वो बच गया, ऑलमोस्ट गया था वो। ओके नाइस, स्पेशल डिफेंस कम कर दिया, लेकिन मुझे कैसे भी करके अभी निपटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि नहीं तो वो ऐसी तैसी कर देगा। ओके, मेरे दो पोकेमॉन मर सकते हैं। ओ मर भी गए यार, तीसरा भी मर जाएगा। मुझे कैसे भी करके अभी ख़त्म करना पड़ेगा इसको। सबका स्पेशल अटैक कम कर दिया उसने यार, ये तो पूरा पलट गया। मैंने बोला ना मैं जिंक्स कर देता हूँ मैं अपने आप को, जिंक्सी पिंक्सी पोंक्सी हूँ मैं। प्लीज मैक्स स्टारफॉल ले ले उसकी जिंदगी। अरे सकर पंच मार दिया भाई यार, ये तो पूरा उल्टा पड़ गया ये। ओके अपने पास एक चांस है गाइस, मेरे को अगर इसने पूरा नहीं मार दिया ना तो क्लच कर जाएंगे अपन। यस वी डिड इट, थैंक यू सो मच। लेफ्की इतना कमज़ोर नहीं है एक्चुअली जितना सोचते हैं अपन, ठीक है दिखता बेचारा कमज़ोर है, लेकिन हम लोग पकड़ने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेजेंड्री। इसके बाद मेरे ख्याल से दो ही बचेंगे। मेरी सांस थोड़ी फूल रही है यार, मुझे थोड़ा क्या बोलते हैं अभी ये रिकॉर्डिंग रोक के नेक्स्ट जो पोकेमॉन है उसको अगले सिटिंग में ही करना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। चिची वेल्टल है कि वेल्टल है, यू वेल्टल। ओके लेट्स सी, शायनी तो मिलेगा नहीं अपने को। ओके एज यूजुअल भविष्य उज्ज्वल, तो ये है वेल्टल, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसकी समरी देख लिया जाए एक बार। क्या खास बात है भाई तेरी में, ओ माय गॉड एचपी इसकी जबरदस्त यार, काफी अच्छा स्टैट्स है, बहुत अच्छा स्टैट है यार इसका। डार्क ऑरा एबिलिटी है, पावर अप ईच पोकेमॉन्स डार्क टाइप मूव, नाइस। तो इसके पास ड्रैगन टाइप मूव है और एक फ्लाइंग टाइप मूव है, नाइस। ओके गाइस, तो हम लोग इसको यूएलटल को ले रहे हैं, और भैया अगले पोकेमॉन पे जाकर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके तो हमें ऑररस मिला है, गोल्डफिश मिला है, पोलो सैंड मिला है। ओके इसके पास अच्छे मूव्स हैं यार, चलो इसके साथ जाते हैं। वही यार CPU, एक्चुअली CPU वाले जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखे तो अपन आराम से वो कर सकते हैं। अरे विस तो फ्लाइंग टाइप है, ओके तो फ्लाइंग टाइप है तो आर्टिकुनो हो सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से वही एक जो पोकेमॉन है वो बचा हुआ है। पॉइजन टाइप लेना चाहिए क्या मुझे, पॉइजन एक मिनट आइस की तरफ ही रखते हैं अभी फिलहाल के लिए। इलेक्ट्रिक फेरी फ्लाइंग के लिए मुझे मेरे ख्याल से अगर आइस है तो मेरे को स्टील की तरफ जाना चाहिए, राइट है ना। तो स्टील की तरफ अगर मैं जाऊँगा तो फ्लाइंग टाइप एटलीस्ट मैं पता नहीं, मन ने कोई नहीं देखते हैं। आइस टाइप को आराम से मार सकता हूँ यार, हाँ मुझे स्टील की तरफ ही जाना चाहिए। ये भाई सब को निपटाना है, अपने पास है अच्छा वाला पावर, मैक्स रॉक फॉल मारेंगे बस तरीके से, जबरदस्त वाले शॉट। मैंने देखा है कभी कभी ऑरोरस का जो मूव्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है।
स्पेशली अभी इलेक्ट्रिक टाइप मूव अगर उसने रखा है तो मस्त हम लोग क्या बोलते हैं फ्लाइंग टाइप और वाटर टाइप के लिए इफेक्टिव रख सकते हैं। बट मुझे ना एक्चुअल इलेक्ट्रिक टाइप की ज़रूरत होगी अगर मैं लड़ने चाहूँगा आर्टिकुनो से। आर्टिकुनो ही लग रहा मुझे। अरे मत मार उसको, कितना मारेगा तू। उल्लू की ऐसी तैसी कर रहे हैं ये लोग। ओके नाइस, तोड़ दो डॉन्स। व्हेल फिश तो भाई किए जा रहा है मस्त मस्त। बक्सरोक फॉल, बहुत ही स्पीड इसकी स्लो है यार। हो हो हो, जबरदस्ती का डैमेज। स्कॉर्चिंग संडास मारा उसने, मस्त वाला। अच्छा लगता मुझे ऐसे संडास वंडास फेंक के मारते हैं ये लोग तो। कोई नहीं, अपन ऐसे तैसे कर देंगे। मेरे से पहले ही कोई, ओ मैक्स हील स्टॉर्म मुझे मार रहा है क्या? नहीं यार, पोलोस को नहीं प्लीज। यार गया पुल्लू, पुल्लू सिंह गया भाई बेचारा। पोलो, उसको लोलो पोलो हो गया उसका। नहीं प्लीज डोंट किल एनी मोर ऑफ माय पोकेमॉन्स। चलो मैगमार सिंह है संभालने के लिए, संभाल लिया उसने अच्छे से। मेरे को लेके जाना चाहिए क्या स्नीजल को? अब आप लोग बोल रहे हो कि भाई तो पोकेमॉन चेंज कर करके खेला करो। यार देखो क्या होता है कि अगर मुझे लास्ट में दिख जाए ना, लास्ट की रो में कोई तगड़ा पोकेमॉन है जो वो टक्कर दे सकता है लेजेंडरी को, तो मैं ना उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे क्या लेना चाहिए। लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि बार बार बदल बदल के खेलो, तो अच्छी बात है। स्नीजल कौन सा टाइप का था? एक मिनट, मन्ने सू खबर। ओके तो मेरे को स्टील की तरफ जाना है। यार यार मैं स्टील की तरफ जा भी पाऊँगा? नहीं जा पाऊँगा मैं स्टील की तरफ। व्हाट द हलवा सिंह, इलेक्ट्रिक की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। अरे यार रॉक की तरफ क्यों चला गया मैं? डैम इट हुआ। मुझे एक्चुअली ना क्या बोलते हैं ये फेरी की तरफ भी नहीं जाना था और इलेक्ट्रिक की तरफ जाता तो शायद मेरे क्विल फिश को ही बस प्रॉब्लम होती। हाँ ओय 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 ओय, कोई नहीं, मेरे स्नीजल को प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन हमारे पास ट्रिपल एक्सल है ऐसी तैसी करने के लिए। ओके साउंड वेव्स वाला नहीं चाहिए अपने को। ओके ट्रिपल एक्सल की तरफ जा सकते हैं हम लोग। स्पेशल अटैक कम कर देता हूँ यार इसकी, वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि अगर ये डायनामिक्स मूव्स मारेगा तो फिर अपनी ऐसी तैसी हो सकती है। ओके नाइस, इसने भी स्पेशल इफेक्ट अटैक जो है कम किया शायद। क्विलफिश क्या बोलते हैं क्लच कर जाएगा भाई। बेरी को बस बहुत इरिटेटिंग होगा और मैगमार को जो है प्रॉब्लम हो सकती है। मगमुरु नाइस, वेरी वेरी नाइस बच्चा लोग। अपन अटैक ही कम, अपन सपोर्ट दे रहे हैं मस्त वाला ठीक है ताकि अपने को प्रॉब्लम ना हो। इसके बारे में काम कर सकता हूँ, मैं लेने के लिए मैं ले सकता हूँ लाइकन ड्रॉप को राइट। देखिए लाइकन ड्रॉप मेरे ख्याल से फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट, यार मुझे कुछ कुछ समझ में नहीं आता है पता है। अब फ्लाइंग टाइप वाला चिड़िया है तो फिर आप मार सकते हो ना। मेरे ख्याल से रॉक जो है आइस की तरफ ज़्यादा अच्छा रहेगा राइट। मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन ठीक है यार, अपन 40 लेजेंडरी पकड़ चुके हैं, कोई क्या टेंशन है। इसी तरीके से नूब नूब टाइप से खेल खेल के अपन ने 40 पकड़ लिया। ओ संडास मारा, मस्त वाला संडास था ये, ज़बरदस्त संडास था एकदम जलता हुआ संडास। बर्निंग सोनदोस,
ओके तो डायनामैक्स करते हैं और मैक्स डार्कनेस मार देते हैं, इसकी ज़िंदगी में अंधेरा फैला देते हैं। मैं सोलह मैं सोच रहा हूँ लाइकन रॉक को लेके चला जाऊँ, है ना। अच्छा रही को लेकू लेकू रॉक को बच्चा लोग मारो इसको। ओ मेरा ही बच्चा मार रहा है। जी चीज टू द पिचिस। ओके एक ही शॉट चाहिए बच्चे को ऐसी तैसी करने के लिए। बर्निंग जेलसी बहुत जलन कोड़ू है ये। बर्निंग जेलसी कुछ लोग ना मेरी बहुत बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं कमेंट में, और उनको ना वो लिखने की वो लिखना भी नहीं आता एक्चुअली। जैसे एक बंदे ने मुझे कमेंट किया बोरिंग वीडियो, ठीक है अभी उसके वीडियो का स्पेलिंग क्या था, VDIEIO ऐसा कुछ था उसका स्पेलिंग, क्या बोलूँ मैं अभी ऐसे लोग को। तो मेरे पास दो रॉक टाइप अटैक है राइट, आई वॉन्ट टू स्वॉप इट। मेरे ख्याल से आर्टिकुनो पे यार सुपर इफेक्टिव हाइपर इफेक्टिव होगा ये, बट मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए, ड्रैगन की तरफ जाना चाहिए कि उसकी तरफ जाना चाहिए। नॉर्मल वाले की तरफ चलते हैं यार अपन, तो बैक पैकर भी मिलेगा हम लोगों को और ऊपर से मेरे पास मैगमार है तो अच्छी बात है, मैगमार सिंह तो संभाल लेता है अच्छे से। मसल बैंड है फिजिकल मूव्स के लिए, फिजिकल ट्रेन ग्रासी ट्रेन फोकस बैंड। ओह नाइस नॉर्मल चैन नॉर्मल टाइप मूव, फोकस बैंड ही रखते हैं एटलीस्ट अपन के ओ नहीं होंगे शायद, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं उसको, माफ़ कर देना अगर मुझे गलती हो गई तो मुझसे, ठीक है। डुअल टाइपिंग नहीं होना चाहिए, नॉर्मल नॉर्मल मतलब नॉर्मल होना चाहिए, बट उड़ने वाला कुछ था ये। ओ भाई ये तो आफ्रो बफेलो है, ये आफ्रो लगा के आ गया बफलैंड बूफलैंड। ओके ये कौन सा टाइप इसका, मैंने कभी इसके अगेंस्ट नहीं खेला एक्चुअली, नॉर्मल ही है लड़का। नॉर्मल वाले को भी अपन मारते हैं, सबको मारते हैं। एनीवेज राउंड क्या करता है, टारगेट द सॉन्ग अदर कैन जॉइन द सॉन्ग टू इंक्रीज द पावर। ओ नाइस और अटैक स्टैट्स ओके ओके, देखते हैं राउंड कितना काम करता है इसके अगेंस्ट। 60 तो लिखा है बट मेरा लाइकन रॉक अच्छा दिख रहा है ना, मस्त वाइट वाइट में थोड़ा सा क्रीम कलर थोड़े से डार्क शेड्स। ओ तेरी पोलो संडास की ऐसी तैसी कर रहा है वो, उसने भी स्कॉर्चिंग संडास मार दिया उसको। व्हाट व्हाट आर यू डूइंग, अरे मैं कितना असर किया था मुझे पता नहीं। अरे बस तो देखते हैं अपन, मेरे ख्याल से स्टोन एज में आरूंगा तो 100 का जुगाड़ हो जाएगा अपना, अंदरित को जुगाड़ करते हो। ओ शेल बेल था क्या, व्हाट शेल बेल नहीं था यार, शेल बेल होता तो मैं जनरली लेता हूँ एचपी अपनी रिस्टोर करने के लिए। ओ स्टोन एज पड़ा नाइस, ओ स्टील पाइक मार रहा है मेरे को इच लाइकू नहीं, ऑलरेडी एक हार्ट हमारी जा चुकी है, 3 ही डैमेज और ले सकते हैं हम लोग, लेकिन लाइकू को लेके जाएंगे भाई, लाइकू मज़ेदार है अपना। ओके चलो ख़त्म करते हैं इस टर्न में हम लोग। बर्निंग छल लस्सी यार, शैल बैल चाहिए था मुझे, या तो मैं अंधा हूँ या फिर मुझे दिखता नहीं है। पोलो प्लीज बट फिनिश हिम। ओ स्टोन एज नाइस, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्ती का ज़बरदस्त है। ओके कैच करते हैं अपन, मैं एक मिनट देख लेता हूँ लाइकन रॉक का जो शाइनी है वो कैसा दिखता है। लाइकन रॉक शाइनी अच्छा ब्लू वाला रहता है उसका। हाँ ता 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 ता। ओके ब्लू रहता है वो,
नॉर्मल नहीं रहता। अरे बस आई डोंट वांट टू स्वैप, और किसी और ने भी नहीं रखा उसको, अच्छी बात है। ये बेवकूफ़ बनाने आ गई है साइंटिस्ट, इससे मैं तो नहीं लूँगा भाई, मेरे लेकिन नूब सीपीयू वाले ले लेंगे। गोल्ड डक कर पाएगा क्या कुछ? हैं होशियार टाइप से गोल्ड डक तो ले लिया उसने। आर्टी कोनो ही होगा यार ये। ओ शी यूज्ड टू कॉल मी आर्टी कोनो, ठंडा ठंडा हूँ मैं। ओके डायनामैक्स एनर्जी स्कोर सिंह तुवरसमी, और मेरे ख्याल से ये अल्टीमेट जो है अटैक रहेगा इसके अगेंस्ट, बिकॉज शी इज फ्लाइंग आइस्क, आइस्क नहीं होता आइस होता है, ठीक है। एफ एफ जी नूब टाइप हरकत तो करता ही है, नूब टाइप बातें भी मत किया कर। चलो थोड़ी सी तो मेरी हेल्थ बढ़ी, लेकिन वो मुझे वन शॉट कर देगा। ओ नाइस बर्निंग जेलेसी जी चीज। बोलो संडास को थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा, देखो बच के नहीं रहा लड़के ने, मर गया है। ओके तो अगर मेरा शॉट अच्छे से काम नहीं किया तो मैं भी कुत्तों की तरह मरेगा। कम ऑन फॉल द रॉक, ओ हाइपर इफेक्टिव है, नाइस। देखा अपन दिमाग लगा लेते हैं कभी कभी, आप लोग को जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। स्क्रिच कहीं को करता रही स्क्रिच। ओके मैगमार क्लच कर जाएगा भाई, उसके पास होना चाहिए और अच्छा। ओ मेरे पास एक ही मैक्स रॉक फॉल है, लेकिन एक भी काफ़ी है। ओ मैं पहले गया, ये तो अच्छी बात है भाई। ओह नाइस व्हाट, लाइकन रॉक बेस्ट पोकेबॉन था इसके अगेंस्ट। कैच इट, दरडन 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 दन दन दन। मजा आता जब ऐसे शॉट्स पड़ते रहे, एकदम हाइपर इफेक्टिव शॉट था ये। तन 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 तन। अच्छा वो मैंने कि बहुत अच्छा वो लिया, मैंने रूट लिया, सब कुछ अच्छा गया। बस एक हमारा बेचारा पोलू मर गया, अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे पोलू वोलू मर जाता तो, बट कोई बात नहीं। ये कैसे चूड़ी पहन गया है अपने सर पे? ओ स्टैट्स अच्छे हैं इसके, नाइस। थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट में गड़बड़ी है, लेकिन थोड़ा सा ही है पता है। फ्रीज ड्राई आइस बीम मिस्ट, आइस बीम इसका शायद सिग्नेचर मूव है राइट। आर्टी खून हुक, ओके वी आर गोइंग टू टेक हिम, यस। मजा आ गया यार, ऐसी ऐसे सिंपल सिंपल एपिसोड्स बने ना, सेगमेंट्स बने तो अच्छा लगता है मुझे। एनीवेज मैं इसको नाम तो नहीं देना चाहूँगा और मैं बॉक्स में भेज रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वो यूटेल का जो है वो दिखाना ज़रूरी है कि बाहर कैसा दिखता है। मेरे ख्याल से मैंने सारे जो लेजेंडरीज हैं उनको पकड़ तो लिया है ना, पियो नहीं है शायद कुछ देगी ऐसा आप लोग। ओ यूटेल यूटेल कहाँ गया ये, बट गायब हो गया था लड़का। काफ़ी बड़ा पंख है पता है इसका, ऐसे हाथ के जैसा है। बट एनीवेज गाइस हम लोग इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगली पार्ट में देखेंगे कि और लेजेंडरीज जो है वो बचे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यार मैंने तो पकड़ लिया है सब कुछ। बट देखते हैं अभी क्या बोलती है वो डॉक्टर नी जो है, कि और बचे हैं नहीं बचे हैं, आप जा सकते हो नहीं जा सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।